नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल टिप्स बाय सीमा। आज मैं बना रही हूँ लौकी का हलवा। इसके लिए हमने लिया है मावा और इसे से गर्म करके और लौकी लिया है। लौकी को हमने थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया था और इसमें मैंने घी और लौकी को अच्छी तरीके से पानी निकाल लेना है जिससे कि ये इसका पानी ना आ पाए इसमें। और अब मैं इसमें घी डाल के इसे थोड़ा सा पका लूँगी। लौकी का पानी निकाल, इसे लौकी के पानी को भी फेंकना नहीं है, ये बहुत ही फ़ायदा करता है। इसे आप ऐसे ही थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पी सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा इलायची और शक्कर। और ये पक चुका है लौकी और अब मैं इसमें चीनी डाला है हमने और इसे भी अच्छी तरीके से पका लेना है। इसमें पानी बहुत छूटता है चीनी डालने के बाद, तो इसे भी पानी पूरी तरीके से सूख जाए उसके बाद ही हमें इस पर इलायची पाउडर और पिस्ता डाल के गार्निशिंग कर लेना है। लौकी को किसी भी रूप में खाना चाहिए, सब्जी भी इसकी बहुत अच्छी बनती है। अब मैंने इसमें डाला है मावा, मावा को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, उसके बाद ही पिस्ता और इलायची डाल के इसे गार्निशिंग कर लेना है। ये बहुत ही हेल्दी बनता है और टेस्टी बनता है। इसकी तासीर थोड़ी ठंडी रहती है, इसलिए इसे गर्मी में खाना चाहिए। गर्मी में इसे खाने के ज़्यादा फायदे हैं और ये वैसे भी बहुत ही टेस्टी रहता है। और ये बन के तैयार हो चुका है। एंजॉय इट।